सागर में एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एक महीने के पहले ही दोनों की शादी हुई थी। परिजनों की जबरदस्ती के बाद युवक ने शादी की थी। शादी करने के बाद से युवक अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता था और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के जादौन से पत्नी को धामौनी के लिए घूमने के लिए वो लेकर आया और पत्नी की हत्या कर झाड़ियों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाँच शुरू कर दी। कल रात्रि में पुष्पेन सिंह निवासी मड़ावरा के द्वारा थाना बहरोल में सूचना दी गई थी कि उनकी जो भतीजी है शिवांगी सिंह, जिसकी एक माह पूर्व ही शादी हुई है, वह अपने पति के साथ मतलब इनके दामाद के साथ ऋषिराज सिंह के साथ घूमने आई थी 13 तारीख को। पर दामाद तो घर पहुंच गया था परंतु लड़की नहीं पहुंची। जब मड़ावरा थाना वालों ने पूछताछ करी होगी तो बताया कि उसको मार के धामौनी के किले में फेंक दिया है। रात्रि में तस्दीक की गई तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली जो कि काफी डिकम्पोज अवस्था में थी, तो उसको पीएम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई की गई। बिलासपुर में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया वो सोशल मीडिया के जरिए ठगी किया करते थे। आरोपियों ने बिलासपुर में एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अपना शिकार बनाया। आरोपियों ने पॉर्न वीडियो अपलोड करने के मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का झांसा देते हुए पीड़ित से 55 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी फर्जी सिम कार्ड और लोगों के बंद पड़े बैंक खातों का उपयोग करके ठगी करते थे। फिलहाल पुलिस और ठगों से पूछताछ कर रही है। हमारे यहाँ जून महीने में एक प्रार्थी आए हुए थे जो रिटायर्ड शासकीय कर्मचारी थे। उनके मोबाइल में एक कॉल आया हुआ था कि आपके मोबाइल से एक पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड हुआ है और इसके नाम से उनको डरा धमका कर उनसे लगभग 55 लाख की साइबर ठगी की गई थी। उक्त रिपोर्ट साइबर रेंज थाने में दर्ज की गई। विवेचना उपरांत हम लोग बैंक डिटेल्स और टेक्निकल इनपुट के आधार पर पार्टी दिल्ली की ओर रवाना किए थे, जिसमें आज हम लोग हिसार जिले हरियाणा से एक आरोपी और राजस्थान गंगानगर जिले से 2 आरोपी को अरेस्ट किए हैं, जिसको आज हम लोग यहाँ न्यायिक रिमांड में पेश कर रहे हैं। खबर है जबलपुर से, जहां सड़क किनारे सड़क दुर्घटनाओं पर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार और कई लोगों को ऑटो ने टक्कर मार दी। इस तेज रफ्तार ऑटो ने पहले तो बाइक को टक्कर मारी, फिर पत्रकार के साथ खड़े लोगों को भी टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया भी जा रहा है कि जो ऑटो था उसको नाबालिग ड्राइवर चला रहा था। बालौद के अर्जुंदा अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अर्जुंदा में ऑन ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। डॉक्टर्स में नाराजगी है। मामले को लेकर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने बालौद एसपी कलेक्टर से मिलकर स्वास्थ्य अस्पताल में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर धरना प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया। ग्यारह बजे 3 लोग आए, मारपीट किए और धमकी की दिए, चान से मारने की सबसे पहले वो इलाज कर रहा था।